हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आचार संहिता लगने से पहले आज अंतिम बार अपनी विधानसभा खटीमा पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने चटिया फॉर्म में जिले की विभिन्न 48 करोड़ 86 लाख की योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। वहीं मुख्यमंत्री खटीमा विधानसभा से प्रदेश की 69 विधानसभाओं से वर्चुअल माध्यम से जुड़े और सभी विधानसभाओं को एक साथ संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की 5 साल की उपलब्धियों को गिनाया। वहीं मुख्यमंत्री ने मीडिया से वार्ता में कहा कि वह खटीमा से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अन्य स्थान से चुनाव लड़ने की अफवाहों पर उन्होंने विराम लगाया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार राज्य के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल सहित जीवन उपयोगी सभी क्षेत्र में लगातार काम कर रही है और आगे भी सरकार इसी तरह निरंतर कार्य करती रहेगी। यहाँ से मेरा नाता है, रिश्ता है, मैं यहाँ बड़ा हुआ हूँ, यहाँ से हमेशा खड़ा हुआ हूँ। यहाँ के लोगों ने मुझे खड़ा करने का, कहीं और जाने का कोई प्रश्न नहीं। पाँच सालों में लगातार जितनी भी योजनाएं धरातल पर उतरी हैं, चाहे कोई क्षेत्र हो, चाहे सड़कों का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व रूप से जो है विकास हुआ है, अभूतपूर्व से योजनाएं आगे बढ़ी हैं। और हमने आज वही संकल्प है हमारा कि हम उत्तराखंड का जो विकास है, विकल्प रहित संकल्प के मंत्र को एक मानते हुए, उस मंत्र को मूर्त रूप देते हुए हम आगे बढ़े। हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड।